नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र सिंह। ये जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा सा इसमें है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है, पहले तो सब्जेक्ट आपको बता देता हूं कि सोशल साइंस के अंतर्गत कुछ कमाल की इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली हैं, लेकिन टाइटल क्या है थोड़ा सा अभी इसको मैं पोशीदा रखता हूँ। जब मैं आपको आपके एक्सपर्ट से तारुफ कराऊंगा तो फिर उन्हीं के मुँह से सुनेंगे कि बेसिकली आज हम इस सेशन में करने क्या वाले हैं। ऑल राइट, कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए ये सेशन बतौर खास हम लेकर आए हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड तो आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी दुविधा है, कोई भी डायलेमा है, आप कॉल करिए। देखिए टेलीफोन नंबर कहाँ करेंगे, 8800440559, यहाँ आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चंस और अपने सुझाव हमें मेल भी कर सकते हैं dts.class9@cit.nic.in पर। इस प्रोग्राम से लाइव जुड़ने के लिए आप पीएमए विद्या का चैनल नंबर 9 यानी 9 उसको ट्यून इन कर सकते हैं, और एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब पर भी इस प्रोग्राम की कवरेज जारी है, वहाँ पर भी आप हमसे रूबरू हो सकते हैं। समय हो गया है अपने एक्सपर्ट को इनवाइट करने का, जो हमारे साथ स्टूडियो से तशरीफ फरमा है। बहुत बहुत स्वागत है मिस वंदना गौतम जी, जो कि पीजीटी हिस्ट्री हैं, मेंटोर टीचर भी हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से उनका वास्ता। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्यारे बच्चों, मुझे बेहद खुशी हो रही है आज आप सभी के साथ इस मंच से जुड़ने पर। तो धर्मेंद्र जी ने मेरा आग्रह स्वीकार किया। वैसे तो ये प्रथा ही है कि हम पहले टॉपिक आपका नाम बताते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आज इसमें जैसा कि उन्होंने बताया थोड़ा सा ट्विस्ट है। और ट्विस्ट क्या है कि मैं आपको पहले विषय का नाम नहीं बताऊंगी, मैं आपको इंस्टेंट दिखाऊंगी कुछ स्लाइड्स और उन स्लाइड्स पर होंगी कुछ पिक्चर्स। आपको उन पिक्चर्स को देख करके मुझे ये बताना है कि ये पिक्चर्स किस विषय में है, व्हाट आर दे ऑल अबाउट, व्हाट इवेंट डू दे रिलेट टू, एंड हु आर द पीपल इन द पिक्चर, व्हाट आर दे डूइंग। तो चलिए चलते हैं हम उन स्लाइड्स की तरफ और एक बार देखते हैं कि उन स्लाइड्स पर कौन से पिक्चर्स हैं। तो धर्मेंद्र जी, ये क्वेश्चन आपके लिए भी ओपन है। ओके। तो देखिए कि ये हैं कुछ पिक्चर्स आपके सामने इस स्लाइड पर। तो क्या बता सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है और कौन सी घटना से ये एसोसिएटेड हैं? चलिए कोशिश करते हैं। जैसा कि चित्र में हम देख पा रहे हैं, एक सटीक अनुमान लगाने की कोशिश करता हूँ। अवनी लेखराज जी ने तो एकदम सटीक निशाना लगाया था, वहाँ से गोल्ड मिला था। पैरालंपिक की मैं बात कर रहा हूँ। चित्रों को देखकर तो ऐसे ही प्रतीत होता है कि ये एक पर्यावरण से संबंधित कोई एक आंदोलन है, कोई एक मूवमेंट है जो चल रहा है। महिलाओं की भागीदारी भी वहाँ पर देखी जा सकती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। राइट, बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो मैं तो हिंट देना चाह रही थी, लेकिन आपने हिंट से पहले ही बता दिया। तो ये एक बहुत पॉपुलर मूवमेंट है जिसका नाम था चिपको आंदोलन या चिपको मूवमेंट, जो कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 1973 में लॉन्च किया गया था। और इसमें आप जैसा कि इस पिक्चर में देख ही रहे हैं कि इसमें महिलाओं की बहुत सक्रिय भूमिका या भागीदारी रही। सो वुमेन प्लेड अ वेरी एक्टिव रोल इन दिस मूवमेंट एंड देयर वर स्टुपेंडस रिजल्ट्स ऑफ द मूवमेंट, जिसमें कि जब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ने आकर के पेड़ों को काटने की कोशिश की तो महिलाओं ने इन पेड़ों का घेराव किया और उन्होंने इन पेड़ों को कटने से बचाया। इस सक्सेसफुल मूवमेंट ने बहुत सारे स्टेट्स में इस प्रकार के मूवमेंट्स को इंस्पायर भी किया। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा हम उस प्रॉब्लम के नज़दीक भी पहुँचे होंगे जिसके विषय में हम बात करने वाले हैं। तो वो प्रॉब्लम है द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन या वन विनाश की समस्या। तो और इसके अलावा हम ये भी देख पा रहे हैं, क्या थोड़ा सा अंदाज़ा आपको लगा कि हम कौन से टॉपिक या चैप्टर के विषय में बात कर रहे हैं? जी, तो वो टॉपिक है वन्य समाज और उपनिवेश या उपनिवेशवाद, यानी कि फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनियलिज्म। अभी तक आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, नाजिज्म, फासिज्म के बारे में इससे पहले के पाठों में पढ़ा है। तो अब ये परिदृश्य बिल्कुल बदल जाता है। मैं आपको ले चलती हूँ एक रोमांचक यात्रा की ओर, यानी कि लेट मी टेक यू टू द फॉरेस्ट्स ऑफ इंडिया, वेयर बाय वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी हियर एंड वी विल सी वॉट वर द फॉरेस्ट कम्युनिटीज डूइंग देयर। वी वुड लर्न अबाउट देयर वे ऑफ लाइफ, वी वुड लर्न अबाउट हाउ दे वर इम्पैक्टेड बाय द कॉलोनियल रूल्स व्हेन द कॉलोनियल रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट जी, तो आगे बढ़ें धर्मेंद्र जी। बिल्कुल, आपने एक चित्र दिखाया था, ये समय देख रहे हैं कि वृद्ध हैं ये जी। एक बार ये पिक्चर हम दोबारा देख पाएँ, इनके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। पहले चलो बता देता हूँ, इनका नाम तो खैर बहुत विख्यात, बहुत मकबूल है, बहुत ही प्रख्यात ये पर्यावरणविद हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जी। और क्या कमाल का इन्होंने नेतृत्व किया था। देखिए उनकी एज के हिसाब से इस समय लोग, मैं समझता हूँ, घंटी माला लेके बैठ जाते हैं, ईश्वर का जाप करते हैं, लेकिन इस उम्र में
पेड़ों को बचाने के लिए जो आंदोलन उन्होंने किया था, महिलाओं की सक्रियता की आपने बात करी, कितना इम्पॉर्टेंट है। देखिए कोई भी मूवमेंट है जब तक जन भागीदारी नहीं सुनिश्चित है तो उस मूवमेंट को सफल नहीं बनाया जा सकता। एक नॉर्मली ऐसी बात करो बच्चों की समझ को विकसित करने के लिए, उस परिदृश्य में जब हम चलते हैं 1973 की आप बात कर रहे हैं चिपको आंदोलन का ये दृश्य है, तो वहाँ पर महिलाओं की स्थिति आप देखें अच्छे तरीके से पहना उड़ाना भी नहीं है और जिस अवस्थिति में वह हैं उसी अवस्थिति में उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। तो ऐसी उम्र में एक ऐसा लीडर मिलकर उस जनभावना को जगाना, पेड़ों को काटने से बचाना मुद्दा भी देखें, पेड़ों से काटने से बचाना कोई दूसरा मुद्दा वहाँ पर नहीं है। जी, जी। तो कैसा आप उनका काम देखती हैं, 2 से 3 मिनट के अंदर में ये चीज़ बतानी है। सुंदर बहुगुणा जी, तो सुंदरलाल बहुगुणा का जो पूरा जीवन है इसी प्रकार के आंदोलनों से जुड़ा रहा, उन्होंने अपना पूरा जीवन भेंट किया इस विषय में लोगों को एजुकेट करने के लिए कि वाई डिफॉरेस्टेशन शुड बी स्टॉप्ड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, और इस तरह की गतिविधियों से जनजातियों के जीवन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो अब हम तो ये छोटी सी एक्टिविटी या इन चित्रों को दिखाना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था कि हम इस टॉपिक में एक तरह से एक इंटरेस्टिंग वे में डाइव कर सकें। वी टेक अ ग्रेट डाइव इनटू द टॉपिक। तो चलिए अब हम चलते हैं 18वीं और 19वीं शताब्दी की ओर। मैं जैसा कि आपको बता रही थी कि रंगमंच का पर्दा बदल चुका है और हम अब जा रहे हैं 18th और 19th सेंचुरी की ओर, जिसमें हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के विषय में बात करेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, अर्बन सेंटर्स का विकास हो रहा है, रेलवेज और शिप्स और तमाम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का भी विस्तार हो रहा है। तो अभी हम इस तरफ चलते हैं। इससे पहले कि आप उस तरफ जाएं, एक सवाल और भी मेरे जहन में आया। अभी आपने बोला कि हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेस्ट सोसाइटी के ऊपर और जो वहाँ की जनजातियाँ थी उनके ऊपर, समाज और जनजाति की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। सो व्हाट इट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन सिटीज हैव टू डू विद द लाइफ ऑफ कम्युनिटीज इन द फॉरेस्ट? अ वेरी वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन धर्मेंद्र जी। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज किया कि आखिर जनजातियों के लिए या फिर फॉरेस्ट्स में जो हो रहा था उसका हमारे यहाँ पर, या अर्बन सेंटर्स में जो हो रहा था उसका फॉरेस्ट से क्या लेना देना है या उन जनजातियों के जीवन से क्या लेना देना है। और इसी प्रकार के प्रश्नों को हमें एनकरेज भी करना चाहिए। दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू एज स्टूडेंट्स शुड आल्सो बी आस्किंग। आफ्टर ऑल यू नो हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट इवेंट्स और अ चेन ऑफ इवेंट्स विच आर सेट अप क्रोनोलॉजिकली। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप which exists between these events. So if we have to deep dive into history, if we have to understand it interestingly, then we have to always keep our eyes on this cause and effect relationship. तो इसलिए हम जब इसके विषय में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और उसके बाद जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश हुआ तो उन्होंने इस प्रकार के तमाम चेंजेस जो किए फॉरेस्ट लॉज के द्वारा, उसने इन फॉरेस्ट ड्वेलर्स को अपनी लाइफ को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, इस नए सिस्टम में एडजस्ट होने के लिए मजबूर कर दिया। तो इस तरीके से हम इस पार्ट को इस संदर्भ में देखने वाले हैं। देखिए कितना कमाल का माहौल बन गया, और भी मेरा तजस्सुस बढ़ गया है, क्यूरियोसिटी बढ़ गई है, और भी जानते समझते आगे क्या आने वाला है। जी जी, तो मेरे ख्याल से अब पहला मुद्दा ये होना चाहिए कि आखिर वन विनाश या डिफॉरेस्टेशन जिसकी तरफ वो पिक्चर्स इशारा कर रही थी वो है क्या। तो अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में कहूँ तो डिफॉरेस्टेशन इज लाइक लार्ज स्केल फेलिंग ऑफ ट्रीज ड्यू टू विच फॉरेस्ट्स आर डिसअपीयरिंग। लेकिन डिफॉरेस्टेशन क्या आपको ऐसा लगता है कि डिफॉरेस्टेशन एक बहुत रीसेंट फिनोमेना है? आप रीसेंट तो नहीं कह सकते। देखिए डिफॉरेस्टेशन तो आप अगर 2-3 दशक पहले भी जाएं, पीछे की तरफ जाएं, तो वहाँ पर ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं चालू हो गई थी कि आप उन ज़मीनों को कृषि की जद में लेकर आएंगे जहाँ पर आप कृषि कार्य कर सकें। अब फिर समस्या ये हुई कि अगर आपको अत्यधिक कृषि करनी है तो वो ज़मीन कहाँ से लेकर आएंगे। तो फिर जैसे कि इंसान जंगलों की तरफ भागता है, वहाँ पर जाकर हमने देखा कि इतनी ज़मीन अगर इसका सदुपयोग नहीं रहा तो चलो इसका उपयोग वहाँ पर जाकर कर लेते हैं। लेकिन एक प्रश्न तो वहाँ भी कि डिफॉरेस्टेशन की जो आप बात कर रही हैं उस मौजूदा पसमंजर की, तो वहाँ पर ऐसे कौन से वो रीजन्स थे जिसकी वजह से हमें ऐसा सोचना पड़ गया कि ज़मीन अगर है तो चलिए यहाँ पर ये काम हम कर लेते हैं, जबकि आपको मालूम है कि वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन जैसी जो विधा है उसको नहीं किया जा सकता बड़े पैमाने पर। जी, तो डिफॉरेस्टेशन के तमाम कारण रहे और स्पेशली हम उन कारणों को देखेंगे कॉलोनियल एरा के संदर्भ में, क्योंकि अब तो हम टाइम मशीन पहन के कॉलोनियल एरा में जा चुके हैं। तो इसमें जो पहला हम भाग देखते हैं कि पहला कारण था खेती के लिए बहुत सारी भूमि को, जंगलों की भूमि को, बहुत सारी भूमि को खेती के अंतर्गत उसका विस्तार करना, जंगलों को साफ करना और उसको कृषि के लिए तैयार करना।
तो लेकिन ऐसा क्यों? तो इसलिए क्योंकि बढ़ती हुई आबादी के लिए हमें जो खाने की समस्या थी उसको सॉल्व करना था। उसके अलावा वो दौर क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन था तो फैक्ट्रीज में ज़रूरत थी ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे माल या रॉ मटेरियल की, जिससे कि रॉ मटेरियल की पूर्ति हो सके। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को साफ करके और उस प्रक्रिया की शुरुआत की गई कॉलोनियल काल में। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी धर्मेंद्र जी की, क्या ज़्यादा से ज़्यादा कृषि की भूमि को कृषि के अंतर्गत लाना, क्या हम उसको विकास का सूचक मान सकते हैं? देखिए, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। चलिए, आपने बहुत ही कमाल का प्रश्न यहाँ पर पूछा है। जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, विद्यार्थी जी, वो भी इस चीज़ को समझे कि बड़े पैमाने की बात करें या छोटे पैमाने की बात करें, किसी भी हिसाब से इस पर सहमति नहीं जताई जा सकती। उसका रीज़न क्या है? क्यों कि जहाँ पर जिस भूभाग पर वहाँ पर जो ट्राइब्स हैं, जो लोग जनजातीय रूप से वहाँ पर रह रहे हैं, उनकी भी एक समाज, उनकी एक कॉलोनी है। अगर आप वहाँ पर कृषि कार्य को लेकर जाएंगे तो उनको हटाना पड़ेगा। तो वो पूरा का पूरा जन सैलाब ही नहीं, आप एक पूरी पहचान को मिटाने के लिए जा रहे हैं। तो वो पॉसिबल नहीं है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी परिवेश के लिए। तो मेरे हिसाब से सस्टेनेबल तरीके पर भी अगर आप उसको कार्य करने की कोशिश भी करें तो इन आमूलचूल चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिसका अल्टीमेट उत्तर निकलता है कि हर स्थिति में तो खैर कदापि नहीं। जी बिल्कुल सही और बहुत सटीक जवाब। तो आपके इस एक्सप्लेनेशन से मुझे ये समझ में आता है कि किसी भी स्टेटमेंट को हमें ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि कल्टीवेशन निश्चित रूप से जो है हर स्थिति में या हर उसमें संदर्भ में गुणकारी ही होता है, ऐसा नहीं है। ऐसे भी ले सकते हैं कि क्या जनसंख्या हर स्थिति में हानिकारक हो सकती है? यहाँ पर आप देखिए, क्या जनसंख्या है तो खैर ओब्वियसली ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, लेकिन आपको एक जलसा करना है, जनसमूह लेके जाना है, तो वो संख्या आपको दिखानी पड़ेगी। तो हर स्थिति में उसको गलत नहीं कह सकते। खैर, यहाँ पर जनसंख्या का एक छोटा सा उदाहरण था, तुलना अलग चीज़ है। जिस सेक्टर पर हम बात करें वो बहुत पेचीदा है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी। जी, तो फॉरेस्ट्स को एक और सोच भी थी इसके पीछे, कॉलोनियल सोच थी कि दैट द फॉरेस्ट्स वर हाईली अनप्रोडक्टिव एंड दैट द फॉरेस्ट शुड बी कट इन ऑर्डर टू ब्रिंग मोर एंड मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन इन ऑर्डर टू ग्रो सर्टेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सो दैट द रेवेन्यू कुड बी जनरेटेड एंड द स्टेट्स इनकम कुड बी इंक्रीज्ड। सो दिस वॉज वन ऑफ द अदर पर्टिनेंट थॉट बिहाइंड द ब्रिंगिंग मोर एंड मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो अगर हम एक दूसरे संदर्भ में देखें कि दूसरा रीज़न क्या था, तो चलिए दूसरे रीज़न को बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, धर्मेंद्र जी, आपने कितनी बार रेल से यात्रा की है? आई थिंक कह सकते हैं आप प्लेंटी ऑफ टाइम, हर बार मौका मिल ही जाता है। कभी ना कभी जब से कोविड हुआ है तब से थोड़ा यात्रा कम हुई है, लेकिन यस, चलता रहता है। तो जब आप यात्रा कर रहे थे तो आप मुझे बता सकते हैं रेल यात्रा के संदर्भ में हम स्लीपर किसे कहते हैं? देखिए, तीन श्रेणियाँ हैं, या तो आप जनरल से जाएँ जहाँ पर निचले तबके का बहुत बड़ा एक हुजूम रहता है जो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो एक तो वो हो गया कुछ जहाँ पर शायद मध्य क्रम के जो मध्य वर्गीय परिवार के लोग हैं शायद नहीं जाना चाहेंगे। तो एक जो कैटेगरी आती है वो स्लीपर क्लास का कोच। वहाँ पर हम देखते हैं कि सोने के लिए अगर सीट मिल गई है, रात भर आपको यात्रा करनी है, मेरे हिसाब से तो वही स्लीपर है। एक सीट मिल गई, काम हो गया, आपने अच्छे से यात्रा कर ली, दूसरे दिन आप अपने काम पे चले। जी, तो आपका अनुभव बिल्कुल सही है। तो जो स्लीपर की आपने व्याख्या की, एक जनरल सेंस में स्लीपर का वही मतलब है, लेकिन अगर हम दूसरे संदर्भ में देखें तो यहाँ पर मैं जिसकी बात कर रही हूँ, तो आपने जाते हुए देखा होगा कि रेल के पटरी के बीचों बीच जो वुडन प्लैंक्स होते हैं, जो उन ट्रैक्स को अपनी जगह पर फिक्सेटेड रखते हैं, उसको हम स्लीपर कह रहे हैं यहाँ पर। सो दोज वर कॉल्ड स्लीपर्स एंड यू वुड बी अस्टोनिश टू नो दैट लगभग एक मील के स्लीपर्स को, एक मील की रेलवे ट्रैक को ले डाउन करने के लिए हमें लगभग 2000 स्लीपर्स की आवश्यकता होती है। सो नाउ बाय 1946 द रेलवे ट्रैक्स हैड एक्सटेंडेड और एक्सपैंडेड टू अ लेंथ ऑफ अबाउट 765,000 किलोमीटर्स। तो इतने बड़े रेलवे ट्रैक्स के एक्सपेंशन में हमें कितने स्लीपर्स की ज़रूरत पड़ी होगी और फिर उनको प्रोक्योर करने के लिए कितने पेड़ों को काटा गया होगा, ये तो आप निश्चित तौर पर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि 1860 से जो केवल 25,500 किलोमीटर था वो बढ़कर इतना ज़्यादा विस्तृत हो चुका था। नहीं, आपने की बहुत कमाल का एक फैक्ट बताया। अब फिर से मैं आपको वापस शुरुआत की तरफ लेके जाना चाहूँगा। आपने बात करी थी शुरुआत में कि डिफॉरेस्टेशन हुआ, बढ़ता ही चला गया, फिर जब ब्रिटिश वहाँ पर आए, उन्होंने अपने नियम कानून जो वहाँ लगाए उसके हिसाब से उसने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी, तो वो रूल्स जो हैं उन्होंने उनको किस तरीके से मैनेज किया होगा? धरती तो वो हिंदुस्तान की है,
लैंड भी वो हिंदुस्तान की है, वो जंगल भी हिंदुस्तान की है, और जितने भी हैं वो सारा हिंदुस्तानी है, बट वो जो पसमंजर था वो अपने हिसाब से वो रूल कर रहे थे। तो आई थिंक कैसे वो मैनेज किया होगा, एक परिदृश्य आप रखें हमारे ऑडियंस के सामने थोड़ा। जी जी जी, तो ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपने पूछा, कि जिसको हम ऑर्गेनाइज, मतलब ऐसा नहीं है जैसा कि हमने बताया कि डिफॉरेस्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया थी जो अभी रिसेंटली शुरू हुई, तो इट वॉज एग्जिस्टिंग फ्रॉम द कॉलोनियल टाइम्स, बट वॉट was different was that it became more systematic and organized under the British colonial rule. Right. But how did that happen? How did the Britishers happen to manage the forest? तो सबसे पहला काम जो उन्होंने किया, उन्होंने ये किया कि Dietrich Bandes नाम के एक जर्मन को उन्होंने like appoint किया as foreign investor, forest inspector के रूप में, और उन्होंने सुझाव दिए कि किस प्रकार से किया जाना है। तो उसके संदर्भ में हमने देखा कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो है सेटअप होता है, उसके अलावा इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना होती है, इसके अलावा हम देखते हैं कि तमाम फॉरेस्ट लॉज को एनैक्ट किया जाता है और उन फॉरेस्ट लॉज को बार बार अमेंड भी किया जाता है। तो 19 लगभग हम देखते हैं कि जो एक अमेंडमेंट 1878 में किया गया, उसके अनुसार जो फॉरेस्ट लॉज के अनुसार ये जो ट्रेडिशनल हमारी ट्राइब्स या जनजातियाँ थी उनके लिए फॉरेस्ट का एक्सेस बिल्कुल बंद कर दिया गया। फॉरेस्ट को तीन तरीके की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट्स। सो द विलेजर्स और द फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर नॉट ग्रांटेड एक्सेस टू द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट्स। सो नाउ वी सी कि ये जो एक्सेस था ये रिस्ट्रिक्ट हो गया और इसका प्रभाव जो है निश्चित रूप से जनजातियों के जीवन पर पड़ा ही। सो देन वी हैव सीन दैट आई मीन दे वर डिनाइड एक्सेस टू फॉर्डर, टू देयर एवरीडे प्रैक्टिसेस। एंड एक और चीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगी, लेकिन उसके बारे में बताने से पहले फिर से मैं आपको कुछ चित्रों को दिखाना चाहती हूँ। तो अब हम इन चित्रों को देखेंगे एक बार, चिपको मूवमेंट के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। देखिए ये कुछ स्लाइड है जिस पर कुछ आर्टिकल्स हैं, आपको इनको देखकर ऐसा लगेगा कि डिफॉरेस्टेशन तो बिल्कुल अभी की समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि एक और चीज़ जो हमसे छूट गई थी कि इन क्रॉप्स के अलावा टी, कॉफ़ी और रबर प्लांटेशंस भी, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी यूरोपियन मार्केट में, उनके लिए भी फॉरेस्ट को बृहद तौर पर क्लियर किया गया। तो अब आप देखेंगे कि स्लाइड पर आपको दो पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों पिक्चर्स को आप देखिए जिसमें दो तरह के फॉरेस्ट्स जो हैं वो दिखाए गए हैं, एक है फॉरेस्ट वन और दूसरा है फॉरेस्ट टू। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं धर्मेंद्र जी कि आपको इन दोनों में मुख्य रूप से क्या अंतर नज़र आते हैं? चलिए कोशिश करते हैं। पहला जो पिक्चर हम देख पा रहे हैं उसमें वृक्षों की देखिए डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, घनत्वता बहुत है, हर एक पेड़ के पास आजू बाजू काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं। दूसरी चीज़ आप देखें कि प्लांट्स बहुत हैं, ग्रीनरी बहुत है, हरियाली काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। एज कम्पेयर टू द सेकंड पिक्चर आप देखें वहाँ पर इन चीज़ों का अभाव है, डेंसिटी भी कम नज़र आ रही है, उतनी ग्रीनरी भी नहीं है, और उतना शायद वो एक वो होता है ना ग्रीनरी भरा एक एटमोसफियर जो है वो पहले पिक्चर से दूसरे पिक्चर में बहुत डिफरेंट नज़र आ रहा है। जी निश्चित रूप से, तो बहुत सटीक आपने अवलोकन किया इन पिक्चर्स का। सो इफ वो एक डाइवर्सिटी वाली जो एक बात है वो भी तो शायद नहीं दिखा रही ना, डाइवर्सिटी एक पिक्चर में आप देखें आपको खुद एक अनुमान लग जाएगा कि किस तरीके के पिक्चर्स हैं, एज पर मी जैसा कि मैं गेस कर पा रहा हूँ कक्षा 9 के विद्यार्थी की तरह। जी बिल्कुल ठीक, तो आपने बहुत सही अंदाज़ा लगाया कि एक में आपको तमाम तरह की जो स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की और ट्रीज़ की वो दिखाई देती हैं। क्या आपको कुछ पैटर्न नज़र आता है क्या सेकेंड पिक्चर में ट्रीज़ का? पैटर्न लंबवत तो ज़रूर मुझे नज़र आ रहा है, एक के बाद एक सीधे पेड़ खड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, तो ये जो इस प्रकार का फॉरेस्ट आप देखेंगे एक नेचुरल तरीके से एग्जिस्ट करना असंभव है, तो इसका मतलब कि इसमें एक इंटरवेंशन किया गया और ट्रीज़ को जो कि स्ट्रेट खड़े हुए ये लंबे वृक्ष हैं इनको जानबूझ करके प्लांट किया गया और इसको नाम दिया ब्रिटिशर्स ने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो है वो हम किसे कह रहे हैं? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में नेचुरल आपने छीनी लिया और ब्रिटिश ने फिर इसको कैसे मैनेज्ड और ऑर्गेनाइज किया होगा, क्योंकि एक बार फिर से पिक्चर की तरफ आप जाएंगे, एक तरफ देखेंगे पेड़ों का कोई क्रम नहीं है, जहां मर्जी है वहां पर पेड़ों की प्रजातियां दिख रही हैं, स्पीशीज दिख रहे हैं, प्लांट्स दिख रहे हैं, बड़ी हरियाली भी काफी है, और एक तरफ बिल्कुल तरतीब से पेड़ लगे हुए हैं क्रम बाय क्रम, ऑर्डर बाय ऑर्डर। तो ऐसा लग रहा है कि यस एक बार कृत्रिम रूप से इसको लगाया गया है या बसाया गया और एक टोटली नेचुरल है, तो ये कैसे मैनेज किया होगा ब्रिटिशर्स जी? तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो उसमें क्या हुआ कि
एक भाग फॉरेस्ट्स का जो कि समय के साथ बढ़ता ही गया, उसमें जो नेचुरल फ्लोरा और फौना है उसको हटा करके, उसको क्लियर करके, जो इन दोनों में पिक्चर्स में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो मसला है वो इंटेंट का है. तो फर्स्ट वॉज द आइडियल फॉरेस्ट ऑफ द विलेजर्स और द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, वाइल द सेकेंड इज द आइडियल फॉरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल पीपल. सो देयर द काइंड ऑफ ट्रीज विच आर ग्रोइंग आर ऑफ यूज टू दोज पीपल, बिकॉज उनको अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए तमाम तरीके की पेड़ पौधों और चीज़ों और एक्टिविटीज़ के लिए उनकी ज़रूरत होती थी. लेकिन यहाँ पर यदि आप मसला ज़रूरत का देखें दूसरी पिक्चर में, तो यहाँ पर मसला है केवल टीक वुड या इस प्रकार की हार्डवुड को प्रोक्योर करना, जो कि रेलवेज और शिप्स के एक्सपेंशन में उनको बिल्ड करने के काम में आ सके. तो इसलिए अननेचुरल तरीके से इन फॉरेस्ट को ग्रो किया गया, और आयरॉनिकली इसका नाम भी उन्होंने दिया साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, जबकि इसमें साइंटिफिक कुछ भी नहीं है. इकोलॉजिस्ट ने कहा कि ये मोस्ट अनसाइंटिफिक तरीका है रादर फॉरेस्ट्स को ग्रो करने का. बिल्कुल, मैं समझता हूँ 3 मिनट का समय हमारे पास बाकी है, और इन 3 मिनटों में मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण आस्पेक्ट पे आपसे मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूँ. आपने कुछ नियमावली की चर्चा करी थी, ब्रिटिश ने उसको मैनेज किया, आपने नियम लागू किया जो भी किए, तो वहाँ पर जो कॉलोनीज थी, जो उपनिवेशवाद था, तो उस समाज के लोगों पर उन लॉज का और नियमों का क्या फ़र्क आखिर पड़ा? वो किस तरीके से डिस्ट्रॉय हुए या बहुत प्रभावित हुए, क्या कुछ जी हुआ वहाँ पर? तो निश्चित रूप से हम फिर से एक बार कॉज एंड इफेक्ट के डोमेन में जाते हैं कि इन पॉलिसीज़ का हमारे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनकी लाइफ पर बहुत फ़र्क पड़ा. हम देख पाते हैं कि उनकी जो एवरीडे प्रैक्टिसेस थी, जैसे कि हंटिंग, फिशिंग या वुड को गैदर करना, जो अपनी सब्सिस्टेंस के लिए वो करते थे, उन सभी प्रथाओं पर जो है वो रोक लगा दी गई. तो इससे उनकी लाइवलीहुड इम्पैक्ट हुई. दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनदर इम्पैक्ट वॉज कि उनके कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी कल्टिवेशन की, जैसे कि झूम कल्टिवेशन. तो झूम कल्टीवेशन के बारे में थोड़ा सा आप हिंट देना चाहेंगे क्या धर्मेंद्र जी? आप अपना प्रश्न दोबारा पूछें जी. झूम कल्टीवेशन जिसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं ही थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि समय की शॉर्टेज है. तो झूम कल्टीवेशन में हम देखते हैं कि फॉरेस्ट के एक भाग को, जो ट्रेडिशनल हमारी जनजातियाँ थी, वो उसमें दे यूज टू बर्न अ सर्टन अमाउंट ऑफ ट्रीज, और उसकी एशेज में बीजों को बो दिया जाता था, और उनको they were left on their own to get irrigated by the rain. Now, when the rain irrigated these fields, the crops used to grow. और एक दो साल खेती करने के बाद इनको लगभग 12 से 18 साल के लिए इन्हें फैलो छोड़ दिया जाता था, ताकि उस भाग में जो वृक्ष हैं वो दोबारा से उग जाए. एंड देन लाइक इट प्रोवाइडेड द स्कोप फॉर रिफॉरेस्टेशन. बट हियर नाउ वी सी दैट इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री देर वॉज नो सच स्कोप. सो नाउ दिस वॉज अगेन वी कैन सी दैट दिस काइंड ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन वॉज बैंड, जिसकी वजह से बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो थी वो अपनी जगहों से डिसलोकेट हो गई, और देवर यू नो फोर्स टू लिव अ लाइफ ऑफ पावर्टी एंड मिजरी. एक और इम्पैक्ट जो पड़ा उनकी लाइफ पर वो ये था कि हंटिंग को इन फॉरेस्ट या रिजर्व एरियाज से बैन कर दिया गया. तो दीज पीपल वर लिविंग ऑन फॉर देयर ओन सब्सिस्टेंस, दे वर डिपेंडेंट अपॉन हंटिंग, और छोटे मोटे हंटिंग करके वो अपना जीवन यापन जो किया करते थे उस पर भी जी वो भी बाधित हो गए, उसको भी प्रोहिबिट कर दिया गया. लेकिन इसमें भी एक और आयरनी है, जैसे कि अनसाइंटिफिक फॉरेस्ट्री को साइंटिफिक कहना, वैसे ही इस हंटिंग को एक और तो इन लोगों के लिए बैन कर दिया गया, दूसरी ओर हंटिंग ऑफ बिग गेम्स वॉज कंसिडर्ड अ स्पोर्ट, इट वॉज एक्चुअली रिवॉर्डेड, उस पर इनाम रखे गए. इनफैक्ट एक टाइगर को मारना तो बिल्कुल एक ट्रॉफी जीतने के बराबर हो गया. तो आप ये देखेंगे कि हंटिंग जो है वो समय, मतलब एक चिरपरिचित काल से, बहुत समय से हम ये देखते आ रहे हैं कि मुगल पेंटिंग्स में हम मुगलों को, राजाओं को या नोबिलिटी को हंटिंग करते हुए देखते हैं. वी नो दैट इट वॉज प्रिवलेंट, बट यहाँ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान एक मेजर डिफरेंस जो आया वो क्या था कि इनको, बड़े बड़े जानवरों को ख़त्म करना एक रिवॉर्ड की तरह माना गया. ये भी ब्रिटिशर्स का एक सिविलाइज करने का तरीका था, क्योंकि उनके कंधों पर थी ना हमें सिविलाइज करने की जिम्मेदारी. तो आई थिंक बड़ा अजीब सा ही तरीका कहा जा सकता है. आप नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं, आप जानवरों को ख़त्म कर रहे हैं, और जिस जानवरों को आप मारते थे, सपोज उन्होंने टाइगर मार दिया तो वो टाइगर की एक टाइटल भी उनको मिलता था कि आपने बड़ा कमाल का, शान का काम किया, चलिए इस तमगे से आपको नवाजा जाता है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, लोकेशन की आपने बात करी, एक जगह तो दूसरी जगह पलायन हुआ, आपने बोला कि वहाँ पर उनको खाने पीने की जगह नहीं थी, इनफैक्ट खाने पीने से जगह नहीं से मतलब कि उनके जो शिकार की जो बात कर रहे थे
वो खत्म कर दिए गए, अब वो शिकार पर ही उनकी आजीविका थी। आप सोचिए उद्योग धंधे तो उतने विकसित अवस्था में उस समय नहीं थे, तो एक ही चीज़ पर वो आधारित थे कि वो शिकार करें और किसी तरीके से अपना पेट पालें। वही नहीं रहा तो फिर जिंदगी बसर कैसे होगी, सर्वाइव का मुद्दा ही नहीं उठता। इसलिए फिर वो जाकर दूसरी तरफ पलायन कर गए, नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नए नए अवसरों के लिए, नई नई सेवाओं के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के पार्टिसिपेशन के लिए। कमाल का ये सेशन था। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँची होंगी। जिन्होंने मिस किया है वो NCERT ऑफिशियल पर जाकर इसको दोबारा देख सकते हैं, लिंक वहाँ पर उपलब्ध है। और ऑफकोर्स बहुत बहुत शुक्रिया वंदना गौतम जी, आप स्टूडियो आए और बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने हमारे दर्शकों तक पहुँचाई, उसके लिए आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद आप सभी का इस महत्वपूर्ण सेशन में जुड़ने के लिए, तो बहुत बहुत आभार। और हम नेक्स्ट सेशन में इससे आगे की तरफ चलेंगे, जहाँ पर हम मे बी बहुत पर्टिनेंट रिबेलियंस की किस प्रकार से रिबेलियंस हुए इन कॉलोनियल पॉलिसीज के दौरान चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त हमारे पास इतना ही था। अगला सेशन मैथमेटिक्स, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, छोटे से अंतराल के बाद। बन रही है मेरे साथ।